हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे बहुत ही टेस्टी सी परफेक्ट मेजरमेंट के साथ समोसा रेसिपी, जिससे कि आपका समोसा बिल्कुल मार्केट के जैसा बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम एक बाउल में 2 कप मैदा लेंगे और उसमें थोड़ी सी अजवाइन क्रश करके डालेंगे और नमक डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और इसमें 1/4 कप हम ऑयल का डालेंगे। इसको थोड़ा सा आपने पहले गर्म कर लेना है, उसके बाद इसको ठंडा करके इसमें मिक्स करना है। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। आपकी जो ऑयल की क्वांटिटी है वो परफेक्ट रहनी चाहिए, जिससे कि आपका जो समोसा है वो बहुत ही अच्छा बनता है। जैसे कि 1 किलो मैदे में हम 250 ग्राम ऑयल डालेंगे। तो देखिए, ऐसे मुट्ठी बांध कर देखेंगे तो ये अच्छे से बाइंड हो रहा है, तो हमारा मैदा जो है वो रेडी है। अब ठंडा पानी लेंगे, ये नॉर्मल वाटर हमने लिया है, इसके साथ हम इस आटे को गूंदेंगे। आपने थोड़ा थोड़ा करके इसको आटे में मिक्स करना है, ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि हमने डो जो है वो बहुत ही टाइट बनाना है। थोड़ा सा सख्त डो ही हम इसके लिए रखेंगे। अगर एक साथ पानी डाल देंगे तो ये फिर जो हमारा डो है वो सॉफ्ट हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। देखिए, इसे अच्छे से हम गूंद लेंगे। 5-4 मिनट हमने इसको अच्छे से गूंद लेना है। ये देखिए, बहुत ही सख्त डो है। अब इसको हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ताकि इसके ऊपर लेयर ना आ जाए, और इसको कवर करके 20 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट के लिए। समोसा के लिए फिलिंग रेडी करेंगे। 2 चम्मच हम ऑयल लेंगे, इसको गर्म करेंगे और इसमें 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड करेंगे। 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ डालेंगे। 2 हरी मिर्च डालेंगे बारीक कटी हुई। 1/2 कप बॉइल्ड मटर डालेंगे। इसको अच्छे से सॉटे करेंगे। अब इसमें सूखे मसाले डालेंगे। 1/2 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, इसको आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1/2 टेबल स्पून अमचूर पाउडर और सॉल्ट डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अब इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। हमारे मसाले जल ना जाएं, इसके लिए हम इसमें 3 चम्मच पानी ऐड करेंगे और अच्छे से भून लेंगे। देखिए, अब इसमें हम मैश किए हुए 7 पोटैटो डालेंगे, यानी कि आलू मैश किए हुए डाल देंगे। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी मसालों को। इसमें मेथी डालेंगे क्रश कर और फ्रेश कोरिएंडर डालेंगे और फिर से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारी स्टफिंग रेडी है, इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो देखिए, 20 मिनट हो चुके हैं, चेक करेंगे। अब इसको फिर से अच्छे से गूंथ लेंगे 2-3 मिनट के लिए। ये देखिए, हमारा डो बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसे लोइयां तोड़ेंगे, ऐसे इसको सरफेस पर रखेंगे और लंबे आकार में हाथों की हेल्प से बेल लेंगे और ऐसे एक मुट्ठी के समान हम इसकी लोइयां तोड़ लेंगे। ये देखिए, इसकी हम बॉल्स बनाएंगे। इनको हाथों के बीच दबाकर हमने बॉल्स बनाना है, इसमें कोई भी क्रैक नहीं रहना चाहिए। तो देखिए, ऐसे हम इसको हाथों के बीच हथेली में दबाएंगे और इसका राउंड शेप बॉल बना लेंगे। इसमें कोई भी क्रैक नहीं है, ऐसे ही हम सभी बॉल्स बनाकर रेडी कर लेंगे।
ये देखिए सभी बॉल्स बनकर रेडी हैं। अब हम इनको बेलना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने मैदा लिया है, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स करके एक घोल बनाकर रख लेंगे साइड में। इससे हम समोसा को साइड में बंद करने के लिए यूज़ करेंगे। ये थोड़ा सा आपने गाढ़ा ही रखना है, पतला नहीं करना है। अब सरफेस पर हम एक एक करके लोइयां बेलेंगे। ये देखिए इनको ऐसे दबाएंगे और इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। रोटी के आकार का हम इसको बना लेंगे, छोटा बेलेंगे थोड़ा सा। ये देखिए ये बेल चुका है, इसकी मोटाई इतनी रहनी चाहिए। ये देखिए ये ना तो ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा मोटा होना चाहिए। अब इसको बीच में से कट कर लेंगे। और ऐसे साइड में रखते जाएंगे। ऐसे ही हम सभी बनाकर रेडी कर लेंगे। देखिए हमारी पट्टी तैयार हो चुकी है, इसे ऐसे रखेंगे और फोल्ड करेंगे। अब इसके ऊपर हमने जो पेस्ट बनाया था वो लगाएंगे। ये हमारा मैदा का पेस्ट है, इसको ऐसे ऊपर रखकर ट्रायंगल शेप देंगे और इसे थोड़ा सा अच्छे से दबा लेंगे ताकि हमारा जो समोसा है वो तलते समय खुल ना जाए। ये हमारी कोन शेप बन चुकी है। अब इसमें हम फिलिंग ऐड करेंगे। ये हमने जो आलू की फिलिंग बनाई थी वो ठंडी हो चुकी है, इसको इसमें भरेंगे। अब ये फिर से हम पेस्ट लगाएंगे और इसको दबाकर बंद कर देंगे। ये देखिए अच्छे से सील कर देंगे। ये हमारा समोसा बनकर रेडी है। ये सभी समोसे हमने बना लिए हैं, अब इनको हम फ्राई करेंगे। इनको हमने मीडियम हॉट ऑयल में फ्राई करना है, तो एक एक करके हम इसमें समोसा डालते जाएंगे और इनको गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। एक बार में आपने उतने ही समोसे डालने हैं जितने कढ़ाई में आसानी से आ जाएं। ये देखिए इनका कलर चेंज हो चुका है और इनको निकालेंगे और एक प्लेट में रखेंगे। ऐसे ही हम सभी समोसे बनाकर रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट बहुत ही टेस्टी रेसिपी के साथ।